फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हुई किशोरी की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया। इस मामले में किशोरी के परिजनों का कहना है कि शोहदों से परेशान होकर किशोरी ने आत्मदाह किया था। मृतक किशोरी की मां ने गाजीपुर थाने पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमौर गांव में 12 जुलाई को किशोरी ने अपने घर में ही आग लगाकर आत्मदाह कर ली थी। वहीं परिजनों का कहना है कि किशोरी घर से दूध लेने के लिए जा रही थी, उसी समय पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुराचार किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने विरोध करने पर किशोरी के साथ जमकर मारपीट भी की थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आई थी। किशोरी के साथ हुई इस घटना के बाद पीड़ित के परिजन जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने रेप के बजाय छेड़खाने में मामला दर्ज कर परिजनों को थाने से चलता कर दिया। इस घटना के बाद से ही आरोपी और उसके साथ ही अक्सर किशोरी से छेड़छाड़ किया करते थे, जिससे परेशान होकर किशोरी ने आत्मदाह कर लिया। अच्छा, आप जो लड़की खत्म से क्या नाम है? फिरदौस। आपकी छोटी बहन है? कहाँ रहते हैं आप? हम एक गाजीपुर महबूबनगर में रहते हैं। मेरी बहन खत्म हो गई, इसलिए हम आए। तो तुम्हारी बहन किस कैसे खत्म हो गई? तो हमारे पड़ोस के लड़के हैं, कुछ छेड़छाड़ करते थे, तो वो अम्मी से बताती थी, अम्मी थाने भी आई, कोई बात सुनाई भी नहीं हुई है। अच्छा। इसलिए गाली गलौज घर पे दे रहे थे, इसलिए रुक करके अंदर गई, परेशान होकर आग लगा लिया। लोग थे वो? वो दानेदार के लड़के थे। क्या क्या नाम था, कौन थे? एक को ताहिर नाम है, एक को साबिर नाम है, और ताहिर और क्या बोलते शादी। दिनांक 12 जुलाई को थाना गाजीपुर के महबूब नगर की एक लड़की कमरा बंद करके आत्मदाह कर ली थी। मौके पर क्षेत्राधिकारी जाफरगंज और उसको गाजीपुर गए थे। क्षेत्राधिकारी जाफरगंज को लोगों ने बताया कि माँ बेटी में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी और उस दिन माँ और बेटी में टेलीफोन पर वार्ता हुई। उस वार्ता के पश्चात लड़की क्षुब्ध होकर अपना कमरा बंद करके आत्मदाह कर लिया। फिर भी पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी जाफरगंज से कराई जा रही है। मौके पर जाएं, अन्य लोगों से पूछताछ करें और अभिलेख देकर। हालांकि जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किशोरी ने मां से कहासुनी होने के बाद आग लगाकर आत्मदाह की थी और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।